बातें कही जा रही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेक इन इंडिया और क्या क्या नहीं, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 2022 तक जो है सभी घर को झोपड़ी झुग्गियों को पक्का कर देंगे। एक वादा जो है पूरा नहीं किया गया। और यही सवाल जब हम लोग उठाते हैं कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, तो ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। कोई चाहता है कि आपका राइटें को छीन दिया जाए, बीच में कितना मुहिम चला था कि मुसलमानों से जो है उनका वोटिंग का अधिकार छीन लो, अरे ऐसे कैसे छीन लीजिए। हमारी देश में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हम मिलकर के हिंदुस्तानी कहलाते हैं, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो या अलग धर्म का और क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप का दम नहीं जाते। हम लोग खड़े हैं, क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही है, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है। क्या हो रहा है देश में भाई, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंडियन ऑयल, सब चीज बेचा जा रहा। क्या काम हो रहा है देश में, हर जगह बताइए। ये कर्नाटक का चुनाव था, जब हार रहे हैं तो उनको हनुमान जी आ जाते, हार रहे थे तो बोले कभी हमने देखा नहीं ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री की कि वोट देने चाहिए तो जय हनुमान बोल करके वोट दीजिए, बोले थे ना कर्नाटक का चुनाव, लग रहा था हार रहे तो भाई कैसे पार करें, तो नफरत फैलाओ, जहर बो, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, यही काम था। अरे उनको तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि वोट दे तो बेरोजगारी के नाम पे काम के आधार पर वोट देना चाहिए, असल जो मुद्दा है उसके नाम पे वोट दीजिए, तो ये बोलते हनुमान जी के नाम पे वोट दीजिए। और हम रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिए कि हनुमान जी बजरंगबली मोदी जी और भाजपा से नाराज है, पार नहीं लगेगा कर्नाटक का चुनाव। और आप देख लीजिए जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग यहां भी लोग कुछ ना कुछ कुछ कोशिश कर रहा था, बिहार शरीफ में हो या सासाराम में क्या क्या कर रहे थे लोग, जहां जहां गृह मंत्री को जाना था उससे पहले ही आने से पहले वहां दंगा फसाद करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, पुलिस प्रशासन को, सही समय रहते हुए चीजों को जो है कंट्रोल किया गया, और जो
नुकसान होगा सरकार जो है तय कर रही है, तो हम लोग देखिए ये सब होने नहीं देंगे। और हम लोग चाहते हैं अगर हम सब लोग एक हो गए तो मोदी जी हो या और कोई हो, कोई टिकने वाला नहीं है।